Welcome guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am back with another video lecture on basic X-ray physics. That is the second type of X-ray tube, that is rotating anode X-ray tube. तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब. अगर हम बात करेंगे स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब की, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं. जैसे कि जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होता है, इट अलोज लोअर एक्सरे आउटपुट, ये लोअर एक्सरे आउटपुट देता है. दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इसमें लोअर हीट लोडिंग होती है, कि यह कम ही हीट लोड कर सकता है, बियर कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इजीली डैमेज हो सकता है. तो यही प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए क्या डिवाइस किया गया, क्या इन्वेंट किया गया, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब. एज द नेम सजेस्ट्स, रोटेटिंग एनोड, ये जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है ना, ये ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द एक्सपोजर, इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली. हाँ, देखिए दोस्तों, अब जो हमारा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है, इट इज यूज्ड इन मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे एप्लीकेशंस. क्यों किया जाता है ये ज्यादातर डायग्नोस्टिक एक्सरे एप्लीकेशंस में यूज, क्योंकि इसमें नंबर वन प्रॉपर्टी है कि इट हैज ग्रेटर हीट लोडिंग, इसमें बहुत ज्यादा हीट लोडिंग पाई जाती है. और दूसरा ये है कि इसमें हायर एक्सरे आउटपुट होता है, ये हायर एक्सरे आउटपुट प्रोड्यूस करता है. इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है कि ये जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है, इट इज यूज्ड इन मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे एप्लीकेशंस. देखिए, अब जो हमारा रोटेटिंग एनोड होता है, इसका डिजाइन ऐसा क्रिएट किया जाता है, इसका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है ताकि जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो वो स्प्रेड हो जाए लार्ज एरिया तक, लार्ज एरिया तक. उसकी वजह से क्या होता है कि ये लार्ज ट्यूब करंट को परमिट करता है और एक्सपोजर ड्यूरेशन को परमिट करता है. ठीक है, सो द डिजाइन ऑफ रोटेटिंग एनोड इज सच दैट इट स्प्रेड्स हीट ओवर ए लार्ज एरिया, परमिटिंग लार्ज ट्यूब करंट्स एंड एक्सपोजर ड्यूरेशन. अब जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होता है, इसमें जो रोटेटिंग एनोड होता है वो किसका बना होता है, ये एक टंगस्टन की लार्ज डिस्क का बना होता है, या टंगस्टन को हम मिलाते हैं रिनियम के साथ, उसी का बना होता है ये रोटेटिंग एनोड. और अब जो रोटेटिंग एनोड होता है, इट रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 3600 रिवोल्यूशन पर मिनट. थ्योरेटिकली अगर हम देखेंगे तो जो रोटेटिंग एनोड होता है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 3600 रिवोल्यूशन पर मिनट. हाँ, देखिए, जो रोटेटिंग एनोड होता है, रोटेटिंग एनोड की एक बड़ी एडवांटेज ये है कि इट इंक्रीजेस द टोटल टारगेट एरिया. जो टारगेट होता है, जो एनोड होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड होते हैं, तो ये उस वाले टारगेट एरिया को इंक्रीज करता है. ये मैं अब इलाबरेट करूंगा एक एग्जांपल से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो इस टारगेट का एरिया है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए, लेट अस सपोज एट दैट इंस्टेंट इट इज 14 मिलीमीटर स्क्वायर. लेट अस एज्यूम दैट कि उस एरिया पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए, उसका रेडियस 40 मिलीमीटर्स है. सो उसका रेडियस कितना है, 40 मिलीमीटर्स. ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे एरिया, ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए और इसका रेडियस कितना है, 40 मिलीमीटर्स. तो अगर मैं इस वाले एरिया पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए, इसका एवरेज सर्कमफेरेंस निकालूंगा, तो इट्स एवरेज सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2πr, विच इज इक्वल टू 2 × 22/7 × 40, विच इज इक्वल टू नियरली 251 मिलीमीटर्स. तो ये क्या निकला मुझे, ये मुझे उस एरिया का एवरेज सर्कमफेरेंस निकला जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए. अब
अगर मुझे टोटल टारगेट एरिया निकालना होगा, टोटल टारगेट एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बमबार्ड हुए, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, हाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सर्कमफेरेंस. हाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम वहां पे बमबार्ड हुई उसकी हाइट कितनी है? लेट अस सपोज इन दिस एग्जांपल इट इज 7 मिलीमीटर्स. ठीक है, ये 7 मिलीमीटर्स होती है. तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम 7 मिलीमीटर्स है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सर्कमफेरेंस हमें कितना निकला, 251 मिलीमीटर्स. सो दिस इज 1757 मिलीमीटर स्क्वायर. देखिए, अगर हम इनिशियली देखेंगे तो टारगेट एरिया कितना था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बमबार्ड हुए, 14 मिलीमीटर स्क्वायर. लेकिन रोटेटिंग एनोड जब रोटेट करता है उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो टोटल टारगेट है एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बमबार्ड हुए वो 1757 मिलीमीटर स्क्वायर बना. सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम हियर इट इज नियरली 125 टाइम्स. This is nearly 125 times of this, जब ये रोटेट नहीं करता है. ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो रोटेटिंग एनोड है ये टोटल टारगेट एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बमबार्ड होते हैं उसको इंक्रीज करता है. क्लियर? हाँ. अब जो हमारा रोटेटिंग एनोड होता है इसको रोटेट करने के लिए, टर्न करने के लिए इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, रोटर, स्टेटर एंड एनोड सिस्टम. देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटर क्या होता है. आप इस डायग्राम पे देखिए, दिस इज स्टेटर. स्टेटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर. ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर होता है जो कि रोटर को रोटेट करवाता है वेरी हाई स्पीड पे. तो जो रोटर होता है जब ये वेरी हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो ये किसको रोटेट करवाता है, इंटर्न, ये इस टंगस्टन डिस्क को इंटर्न रोटेट करवाता है. ठीक है. हाँ, अब जो रोटर है खुद ये बना होता है किसका, कॉपर का. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मेड ऑफ कॉपर. तो जो रोटर है ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, टंगस्टन डिस्क के साथ, बाय अ स्मॉल रॉड, दैट इज कॉल्ड एज एनोड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एनोड सिस्टम. ये जो एनोड सिस्टम होती है ये खुद बनी होती है मॉलिब्डेनम की. किसकी, मॉलिब्डेनम की. हाँ, तो मैंने बोला कि जो रोटर होता है ये टारगेट के साथ, टंगस्टन डिस्क के साथ रिजिडली कनेक्टेड होता है. कैसे, थ्रू एनोड सिस्टम. तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है कि टंगस्टन टारगेट बहुत इजी से रोटेट करता है ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन. तो मैंने दिखाया कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट जनरेट होती है वो स्प्रेड आउट होती है लार्ज एरिया पर और ये डैमेज नहीं होता है. ठीक है. हाँ, देखिए यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एनोड सिस्टम होता है ना, द एनोड सिस्टम शुड बी शॉर्ट. ये शॉर्ट होना चाहिए. क्यों शॉर्ट होना चाहिए, ताकि ये जो देखो जब ये रोटेट करता है ना तो टंगस्टन डिस्क में इनर्शिया आता है, तो यही इनर्शिया रिड्यूस करने के लिए जो एनोड सिस्टम होता है वो शॉर्ट होना चाहिए. हाँ, तो जो इनर्शिया टंगस्टन डिस्क में आता है, इसमें इनर्शिया इंक्रीज होता है टंगस्टन डिस्क में, तो ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए जो एनोड सिस्टम का एंड होता है इस पे हाई स्ट्रेंथ बॉल बेयरिंग्स लगाई जाती हैं, ताकि ये हाई स्पीड पे स्मूथली रोटेट करे. देखिए, अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे ना, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब डिजिटल रेडियोग्राफी में यूज होता है. जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के एक्सरे ट्यूब्स होते हैं उनमें यूज होता है. ठीक है. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दें.